VR बॉक्स को अपने आंखों में पहन कर इसको उड़ा सकते हो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम मनीष। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक मेड इन इंडिया ड्रोन की, जिसका नाम है दोस्तों गरुड़ा। तो गाइस, इस ड्रोन को बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है दोस्तों इलेक्ट्रोबोटिक। इस वीडियो देखने के बाद अगर आपको ड्रोन पसंद आता है तो गाइस आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके इलेक्ट्रोबोटिक की साइट से इसको बाय कर सकते हो। बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में सब बिल्कुल नीचे आपको कुछ ड्रोन का फोटो और उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक साइट का लिंक मिलेगा। तो गाइस उस साइट में जाने के बाद आप कुछ बेहतरीन ड्रोन भी परचेस कर सकते हो। तो चलेगा इस फटाफट से हम करते हैं इस कमाल की ड्रोन का अनबॉक्सिंग और इसका फुल फ्लाइंग टेस्ट। तो चलेगा इस फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। गाइस, ये रहा हमारा ड्रोन का बॉक्स। तो इस ड्रोन के बॉक्स के ऊपर हमें ड्रोन का एक एक्चुअल फोटो दिखाई दे रही है। तो गाइस इसका नाम है दोस्तों गरुड़ा, जो कि हिंदी में लिखा गया है। और गाइस इसके अंदर आपको डुअल कैमरा मिलता है जो कि है 1080 पिक्सल का, और एक कैमरा आपको मिलता है 720 पिक्सल का। मतलब इसका जो फ्रंट वाला कैमरा है आपको 1080 पिक्सल में, जो बॉटम कैमरा है आपको 720 पिक्सल में मिल जाएगा। और गाइस इधर लिखा गया है मेड इन इंडिया। तो इस चीज को पढ़कर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है इधर। और गाइस इधर भी लिखा गया है गरुड़ा, और इसके तीन जो चीज है शार्प स्टेडी सबटाइल। तो इसको इंडिया के फ्लैग के कलर के अनुसार कुछ इस तरह से लिखा गया है, जो कि काफी खूबसूरत लग रही है। बॉक्स के पीछे भी दोस्तों ड्रोन का फोटो इधर दिया गया है, देख सकते हो। ड्रोन का एक पार्ट इधर शो किया गया है, और कैसे इधर कुछ इधर फीचर्स हाईलाइट किया गया है। जैसे कि दोस्तों इधर आपको ऑप्टिकल फ्लो पोजीशनिंग होल्स 1080 पिक्सल और 720 पिक्सल का HD डुअल कैमरा मिलती है, और इसका जो कैमरा है वो 120 डिग्री वाइड एंगल कैमरा है। मतलब इसके कैमरा में आप काफी बड़ा एरिया देख सकते हो। और कैसे इधर लिखा गया है 1800 mAh का बैटरी, स्मार्टफोन ऐप कंट्रोल, और कैसे इसके अंदर आपको VR सपोर्टेड है। मतलब आप कुछ इस तरह से ग्लासेस पहनकर इस ड्रोन को फ्लाई वगैरह कर सकते हो। और गाइस इधर आपको मिलता है गेस्चर सेल्फी मोड और 1K रिटर्न एंड फोन लेवल डिजाइन। तो ये सब कुछ थी दोस्तों स्पेसिफिकेशन। बाकी दोस्तों जो ड्रोन है दोनों कलर में आ जाती है, एक है व्हाइट और एक है ब्लैक। और गाइस ये दोनों मोड में भी आती है, मतलब दोनों तरीके से आप इसको परचेस कर सकते हो। आप इसको बैग के साथ भी परचेस कर सकते हो, बाकी आप कुछ इस तरह से बॉक्स के साथ भी इसको परचेस कर सकते हो। तो गाइस वेबसाइट में आपको दोनों तरीके का ड्रोन मिल जाएगा। मतलब ड्रोन का जो फीचर्स वगैरह है, मतलब ड्रोन बिल्कुल सेम ही आपको दोनों कंडीशन में मिलेगा। एक है कार्डबोर्ड का बॉक्स और एक है बैग। आप जो चाहो उसको परचेस कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अदरवाइज आप इस वीडियो के ऊपर टैप करके आपको इधर एक व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप साइट में जाकर एक बेहतरीन ड्रोन को परचेस कर सकते हो। तो चले गए साहब, हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह दोस्तों ये अनबॉक्स हो जाता है। तो जैसे ही हम इसको कुछ इस तरह से ओपन करते हैं तो हमें ड्रोन, रिमोट और सारे कुछ देखने के लिए मिल जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम रिमोट को कुछ इस तरह से इधर से ओपन कर लेते हैं। तो बस ये इसका रिमोट और इधर इसका लोगो। तो इस रिमोट का जो क्वालिटी है, जॉयस्टिक का जो स्मूथनेस है, वो काफी ज्यादा है। मतलब काफी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है, और इसका जो क्वालिटी है वो बिल्कुल लाजवाब है। बाकी ऊपर की ओर आपको शो के लिए एंटीना मिलता है, बाकी इस एंटीना का कोई काम होता नहीं है इस तरह के टॉय ड्रोन में। बाकी चलिए इसको हम नीचे रख लेते हैं। और बाकी इसके अंदर हमें मिलता है एक काला बॉक्स, देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। बाकी दोस्तों हमने इसको पहले से अनबॉक्स कर रखा था, इसलिए पैकेजिंग थोड़ा अलग हो सकता है। बाकी जो जो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा तो सारे कुछ आपको इस ड्रोन के साथ मिल जाएगा। तो इस पॉलीथिन के अंदर है दोस्तों इसका 4 एक्स्ट्रा प्रोपेलर, अगर किसी वजह से आपको प्रोपेलर टूट जाता है तो आप इसका यूज कर सकते हो। और इधर हमें मिलता है इसका स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर दोस्तों बॉक्स के अंदर ही गिर कर कहाँ पर खो गया है। और गाइस इधर हमें मिलता है बुलेट्स। आप इस बुलेट्स को ड्रोन के प्रोपेलर के ऊपर लगाकर इसका जो लुकिंग है उसको और भी ज्यादा इन्हेंस कर सकते हो। और कैसे इधर हमें मिलता है एक स्मार्ट चार्जिंग केबल। मतलब ये स्मार्ट नहीं है, इसका जो बैटरी है उसके अंदर ही एक सर्किट लगाया गया है जो कि स्मार्ट है, जो कि ऑटोमेटिकली चार्ज होने के बाद उसको सर्किट को कटअप कर देगा। और यह दोस्तों बुलेट्स, आप इसको कुछ इस तरह से ड्रोन के प्रोपेलर के ऊपर लगा सकते हो। बाकी ये थी दोस्तों एक्सेसरीज में। और कैसे इधर हमें मिलता है हमारा मेन ड्रोन। तो ड्रोन को हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले ड्रोन के साथ हमें और भी चीजें मिली है जो कि है ड्रोन को चलाने के दोस्तों ये बैटरी। दोस्तों इसका नाम हमें मिलता है इसका कुछ इस तरह का प्रोपेलर गार्ड। उससे पहले हम कुछ इस तरह से इसको हटा लेते हैं फोम को। प्रोपेलर गार्ड के साथ साथ स्क्रू ड्राइवर, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाने की कोशिश किया था, जो कि बॉक्स के अंदर गिर गया, इधर छुप गया था। तो गाइस इसके अंदर आपको कुछ इस तरह का एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है, और मिलता है दोस्तों आपको 4 प्रोपेलर गार्ड। तो इसको लगाने के बाद आप ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं, इससे ड्रोन का प्रोपेलर सेफ रहता है, ड्रोन जल्दी से क्रैश नहीं होता। और गाइस इसका मैनुअल, गरुड़ा ड्रोन का मैनुअल, गरुड़ा 1080 शार्प स्टेडी सबटेल इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इधर फोटो इधर प्रिंट किया गया है इसका, और एक कलर मैंने आपको बता दिया था कि है जो कि है व्हाइट। तो इस मैनुअल को मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है इसका मैनुअल। तो मैनुअल के अंदर रिमोट का कौन सा की क्या काम करती है, बैटरी कैसे चार्ज कर सकते हो, ड्रोन के ड्रोन में आपको कौन सा फीचर मिलता है, तो सारा कुछ दोस्तों इस मैनुअल के अंदर दिखा गया है। बाकी ड्रोन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इस मैनुअल को देख कर आप उस प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन कर सकते हो। और गाइस ये इसका एप्लीकेशन जिसका नाम है VSFPV Pro, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ।
देता हूँ एप्लीकेशन को। तो गाइस इसका एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये है दोस्तों इसका एप्लीकेशन, जो कि आपको प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में दोनों में ही मिल जाएगा, VSPB Pro। बाकी आप चाहो तो इधर से स्कैन कर भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी एक और खास चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो एक पार्ट है वो इंग्लिश में है मैनुअल का, और एक पार्ट है दोस्तों आपने जो दूसरे ड्रोन में दिखा होगा और एक पार्ट चाइना में रहता है, मतलब चाइनीज में एक पार्ट रहता है और एक रहता है इंग्लिश में। बाकी दोस्तों इस ड्रोन का जो मैनुअल है वो एक पार्ट है इंग्लिश में और एक पार्ट देख सकते हो जी हाँ दोस्तों हिंदी में। तो वैसे इस चीज़ को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया फीलिंग हो रही है अभी। तो इस चीज़ को देखकर लग रहा है कि ये देश का चीज़ है, मतलब इंग्लिश में जो लिखा था उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में कुछ इस तरह से लिखा गया है, क्योंकि ये इंडिया में बनाया हुआ ड्रोन है, इसीलिए इसके अंदर हिंदी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। बाकी मैं किसी भी ड्रोन का मैनुअल वगैरह पढ़ता नहीं हूँ, बाकी इसके अंदर हिंदी में लिखा था इसीलिए मैंने इसको पूरा पढ़ा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा है। बाकी दोस्तों यही चीज़ थी जो कि आपको इस बॉक्स के अंदर मिलता है। बाकी अभी बॉक्स हो चुका है खाली, आप देख सकते हो, तो बॉक्स को रखते हैं साइड में और जो मेन जो मेरी चीज़ है उसको हम आपको दिखा देते हैं। तो गाइस ये है हमारा ड्रोन, रिमोट और सारी चीज़ें। तो गाइस अभी हम इस ड्रोन को फ्लाइंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बैटरी को फुल्ली चार्ज कर लेना है, मतलब हर एक फ्लाइट के पहले आपको इस बैटरी को फुल चार्ज कर लेना है। तो गाइस कुछ इस तरह से आपको माइक्रो USB जो केबल है इसको जिस तरह से पोर्ट में कनेक्ट करना है और अपने मोबाइल के अडैप्टर में इसको लगा देना है। तो गाइस जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगा, काफ़ी जल्दी चार्ज होती है और काफ़ी अच्छी फ्लाइट टाइम भी ये बैटरी हमें प्रोवाइड करती है। तो चले गाइस अब हम इसको लगा देते हैं, क्योंकि हमने पहले से इसको फुल चार्ज कर लिया था। तो बैटरी दोस्तों ड्रोन के अंदर इंसर्ट हो चुकी है। फिर दोस्तों आपको ड्रोन का जो आर्म है इसको कुछ इस तरह से अनफोल्ड कर देना है। तो कुछ इस तरह दोस्तों आर्म को अनफोल्ड करने के बाद जो ड्रोन है काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज का हो जाती है। फिर दोस्तों आप चाहो तो इसके अंदर प्रोपेलर गार्ड्स इंसर्ट कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपको सिंपली इसको पुल करना है और ये हट चुकी है, और इधर आप इंसर्ट कर सकते हो अपना प्रोपेलर गार्ड। प्रोपेलर गार्ड भी इंसर्ट करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, सिंपली कुछ इस तरह से आप इसको पुश कर दीजिए, बस हो गया दोस्तों प्रोपेलर गार्ड इंसर्ट। आप चाहो तो चारों आर्म्स में इस प्रोपेलर गार्ड को इंसर्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों हमें काफ़ी अच्छी तरह से ड्रोन्स वगैरह उड़ाना आता है, इसलिए हम इधर प्रोपेलर गार्ड्स को इंसर्ट नहीं करेंगे। और एक चीज़, प्रोपेलर गार्ड लगाने के बाद ड्रोन का वेट थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए फ्लाइट टाइम भी हमें कम मिलता है। बाकी दोस्तों अगर ड्रोन का डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन बिल्कुल बढ़िया है। ड्रोन के सामने दोस्तों हमें एक कैमरा मिलता है जो कि 120 डिग्री वाइड एंगल कैमरा है। कुछ इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली, आप फ्लाइट के दौरान इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो कुछ इस तरह दोस्तों आप एडजस्ट करके फुटेज वगैरह ले सकते हो, और इसका जो फुटेज है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मैंने चेक करके देखा है। और ड्रोन के ऊपर इधर लिखा गया है गरुड़ा और इसका यह लोगो है। बाकी डिज़ाइन वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। प्रोपेलर के ऊपर लिखा गया है प्राउडली मेड इन इंडिया। और ड्रोन के नीचे दोस्तों हमें मिलता है कुछ इस तरह का सेकेंडरी कैमरा इसका, और इधर हमें मिलता है ऑन ऑफ स्विच। कुछ इस तरह से स्विच को ऑन करने के बाद दोस्तों इसका जो लाइट्स है वो कुछ इस तरह से ब्लिंकिंग करता है। वैसे ड्रोन हमारा पूरा कंप्लीट है, अभी हम रिमोट के अंदर बैटरीज को इंसर्ट कर लेते हैं। तो वैसे इस रिमोट के अंदर आपको 3AA की बैटरीज इंसर्ट करनी होगी, फिर इस रिमोट को पावर मिल जाएगी। तो वैसे आप चाहो तो इधर नॉन चार्जेबल या चार्जेबल कोई भी बैटरी इधर यूज़ कर सकते हो, तो रिमोट के अंदर बहुत दिनों तक बैटरी बचा रहता है। ऑल राइट गाइस, रिमोट के अंदर बैटरी सेट हो चुकी है, अभी हम ड्रोन को ऑन कर लेते हैं फिर से। इधर ऑन ऑफ स्विच है, तो ड्रोन हमने ऑन कर लिया है। अभी रिमोट के साथ हम कनेक्ट करते हैं। रिमोट को कनेक्ट करने के लिए कुछ इस तरह से आपको इस रिमोट को भी ऑन करना है, फिर फर्स्ट वाले जॉयस्टिक एक बार ऊपर और एक बार नीचे, तो ड्रोन के साथ दोस्तों रिमोट कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप फर्स्ट वाले जॉयस्टिक को ऊपर करके इसको फ्लाई वगैरह कर सकते हो। बाकी दोस्तों रिमोट के अंदर आपको 1 की टेक ऑफ, 1 की लैंडिंग, 1 की रिटर्न, लाइटिंग कंट्रोल और ट्रिम बटन वगैरह मिलता है। ऊपर आपको फ्लिप के लिए बटन मिलता है, यह स्पीड के लिए बटन। तो रिमोट के अंदर दोस्तों ये सब चीज़ें मिलती है। तो अभी हम दोस्तों इस कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले दोस्तों आपको वाईफाई से इस ड्रोन को कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप कुछ इस तरह से वाईफाई ऑन करोगे इसका सिग्नल मिल जाएगा, और कैसे इधर देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है। तो अभी जाते हैं दोस्तों इसके एप्लीकेशन में, VSPB Pro। तो एप्लीकेशन में जाने के बाद दोस्तों हमें क्लिक करना है स्टार्ट पर, और गाइस इधर आप देख सकते हो ड्रोन का पूरा कैमरा फुटेज इसके मोबाइल के ऊपर आ रहा है। तो इधर आप मुझे देख सकते हो, इधर मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ और देख सकते हो सारी चीज़ें। बाकी इसका कैमरा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मुझे अभी फील हो रहा है और आप भी इस फील शायद कर पा रहे हो। और इधर इसका एक भाई रखा गया है, मैं आपको उस भाई को दिखा देता हूँ, पाइनोर को। बाकी एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, इस गरुड़ा के अंदर जो आपको कैमरा मिलता है आपको पाइनोर से भी ज़्यादा अच्छा मिलता है। गाइस मोबाइल एप्लीकेशन में हमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे कि गेस्चर, फोटो, फॉलो मी मोड और कैमरा स्विचिंग के लिए दोस्तों इधर हमें बटन मिलता है। देख सकते हो नीचे का कैमरा भी आ जाएगा कुछ ही देर में। तो कैमरा स्विचिंग में थोड़ा सा वक्त लगता है, देख सकते हो नीचे का कैमरा आ चुका है। तो नीचे का कैमरा उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है,
फिर भी आप देख सकते हो कुछ इस तरह का फुटेज आता है नीचे का कैमरा में। मुझे तो फ्रंट वाला कैमरा ही अच्छा लगता है ज़्यादातर। और इधर दोस्तों फोटो के लिए बटन है, कुछ इस तरह से फोटो क्लिक कर सकते हो। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बटन है, देख सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो और फोटोज वीडियोज इधर फाइल में रिकॉर्ड हो जाता है, इधर देख सकते हो फोटोज। और यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियोस, काफ़ी सारे वीडियोस हमने इसके साथ क्लिक किया है। और इधर दोस्तों स्पीड कंट्रोल के लिए इसके अंदर आपको 3 स्पीड भी मोड मिलता है। और ये मिलता है दोस्तों मोशन कंट्रोल के लिए, मतलब आप स्मार्टफोन को टिल करके इसको फ्लाई वगैरह कर सकते हो। और गाइस इधर आपको मिलता है जॉयस्टिक ऑन या ऑफ के लिए बटन, देख सकते हो जैसे मैंने इसको ऑन किया कि जॉयस्टिक हमारे पास आ गया है। अभी आप कुछ इस तरह से इस पर क्लिक करके इस मोबाइल से भी हमारे ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो कुछ इस तरह से। अभी शायद नहीं होगा क्योंकि रिमोट के साथ कनेक्टेड है मोबाइल से। आप तभी फ्लाई कर सकते हो जब आपका ड्रोन सिर्फ मोबाइल के वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा। और ये मिलता है दोस्तों पैरामीटर के लिए, देख सकते हो पैरामीटर इधर आ चुका है। और 3 डॉट पर जैसे क्लिक करोगे आप वीआर बॉक्स में पहन कर इसको चला सकते हो। तो सबसे पहले कुछ इस तरह से निकल लेना है, फिर अपने मोबाइल को कुछ इस तरह से आपको फिक्स कर लेना है इसके अंदर। तो देख सकते हो मोबाइल फिक्स हो चुका है। तो उससे पहले दोस्तों आपको ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देना है, इससे अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। फिर आपको कुछ इस तरह से वीआर बॉक्स के अंदर इसको लगा देना है, देख सकते हो इसके अंदर सेट हो चुका है। अभी आप वीआर बॉक्स को अपने आंखों में पहन कर इसको उड़ा सकते हो। और इधर दोस्तों आपको मिलता है जूम इन जूम आउट के लिए, कुछ इस तरह से देख सकते हो आप इस तरीके से जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। तो वैसे ये सारी चीज़ें हमारे कैमरे एप्लीकेशन में। अभी आप दोस्तों इस तरीके से रिमोट के अंदर भी अपने मोबाइल को फिक्स कर सकते हो। तो गाइस मोबाइल भी हमारे रिमोट के अंदर इंसर्ट हो चुका है। तो गाइस अभी चलते हैं ग्राउंड में और करते हैं इस ड्रोन का फुल फ्लाइंग टेस्ट। गाइस हम आ चुके हैं ग्राउंड में और हमने इधर ड्रोन को टेक ऑफ कर लिया है। तो गाइस सबसे पहले इस ड्रोन का जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल लाजवाब है, क्योंकि गाइस इसके अंदर आपको ऑप्टिकल फ्लो पोजीशनिंग होल्ड का फीचर मिलता है, जिस वजह से दोस्तों ये जो ड्रोन है एक ही जगह में खड़ा रहता है। लेकिन गाइस इसमें एक दिक्कत है, अगर आप इसको रात में फ्लाई करते हो तब इसका जो नीचे वाला सेंसर है वो जमीन को स्कैन नहीं कर पाता है, इस वजह से दोस्तों रात में थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन गाइस अगर आप दिन में उजाला में फ्लाई करोगे तो गाइस ये बिल्कुल लाजवाब तरीके से फ्लाई करेगा और इसका जो फ्लाइट है वो बिल्कुल स्मूथ है। और एक चीज दोस्तों, इसका जो कैमरा है वो एक वाइड एंगल कैमरा है, इसके मदद से आप दोस्तों बहुत बड़े एरिया को आसानी से देख सकते हो। और साथ साथ दोस्तों 1K रिटर्न स्टंट मोड, तो सारा दोस्तों फीचर आपको इस ड्रोन के अंदर मिल जाता है। बाकी दोस्तों बात करते हैं इसके फ्लाइट टाइम की, तो गाइस इस बैटरी को मैंने पहले फुल चार्ज किया था, उसके बाद दोस्तों ये जो ड्रोन है मुझे 8 से 9 मिनट का फ्लाइट टाइम दिया है। बाकी दोस्तों 8 से 9 मिनट के बाद इसका जो लाइट है वो ब्लिंकिंग कर रहा था, इसलिए मैंने उसको लैंड करा दिया था। बाकी दोस्तों अगर आप ब्लिंक करने के बाद भी लैंड नहीं करते हो तो शायद ये अप्रॉक्स 10 से 12 मिनट दोस्तों चल जाएगा। लेकिन गाइस मेरा जो सजेशन वो ये है, अगर ड्रोन का लाइट ब्लिंकिंग करने लगता है तब आप उसको जल्दी से जल्दी लैंड कर दीजिएगा, वो आपको सिग्नल देता है कि ड्रोन का बैटरी लो हो चुका है, जितना जल्दी हो सके ड्रोन को लैंड करा दीजिए। मतलब दोस्तों इस ड्रोन के साथ आपको एक डिसेंट सा फ्लाइट टाइम मिल जाता है। तो अभी आप ड्रोन का और कैमरा का फुटेज का मजा लीजिए। और अगर आपको ड्रोन परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दोस्तों आपको ड्रोन का फोटोज देखने के लिए मिल जाएगा। फोटोज को क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको साइट का लिंक मिलेगा, तो साइट में जाकर आप ड्रोन्स को या किसी भी वीआर बॉक्स को मैंने कुछ ऐड कर रखा है तो उसको दोस्तों आप परचेस कर सकते हो। तो अभी आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस ड्रोन का फ्लाइंग का मजा लीजिए।